खैर मेरा नाम है बिहारी बाबू, ठीक है। वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्निंग ऑल इन वन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो आप सब ठीक होंगे, तो ठीक है, पूछ लेते हैं वैसे भी, आप सब ठीक हैं? हाँ तो ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में होम रो बताया था, उसके बाद अपर रो बताया था, आज फिर मेरा हमारा टॉपिक है डाउन रो, ठीक है। तो ये किस टॉपिक में बताया था मैंने, इंग्लिश टाइपिंग विदाउट एनी लैपटॉप एंड मॉनिटर वाले टॉपिक बताया था। जिसने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करें और वहां जाके प्लेलिस्ट में टाइप नाम से सेव है, वहां आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेसन वन का रिविजन एंड प्रैक्टिस भी करवाया गया और लेसन टू का रिविजन एंड प्रैक्टिस भी करवाया गया विद कीबोर्ड के सहायता से। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं इंग्लिश टाइपिंग विदाउट एनी लैपटॉप एंड मॉनिटर में लेसन थ्री। और लेसन में थ्री में कौन सा, डाउन रो की। जैसे मैं कीबोर्ड पे मैंने फर्स्ट में बताया था होम रो, ठीक है, इसका रिवीजन एंड प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने बताया है अपर रो, इसका भी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करवाया है कीबोर्ड के माध्यम से। आज हमारा होगा लेसन थ्री में डाउन रो, कौन सा रो होगा, डाउन रो होगा, ठीक है, और वो होगा हमारा लेसन थ्री में, ठीक है। तो डाउन रो की में देख रहे थे कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं, ठीक है, कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं, तो जेड एक्स सी वी बी एन और ये एम, कौन कौन से आ रहे थे, जेड एक्स सी वी बी एन एम। उसके बाद ये हमारा आता है पंचुएशन, क्या आता है दोस्तों, पंचुएशन। अब पंचुएशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, पंचुएशन पी यू एन सी टी यू ए टी आई ओ एन, पंचुएशन मतलब होता है चिन्ह, क्या होता है, चिन्ह, चिन्ह, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चिन्ह है, तो ये चिन्ह है हमारा कोमा है और ये फुल स्टॉप है, ये कोमा है और ये क्या है, फुल स्टॉप। तो चलिए लेफ्ट हैंड में हमारा कौन सा की आता है, ठीक है, तो जेड एक्स सी बी, हम किस की को प्रेस करते हैं, जेड एक्स सी बी, फिर उसके बाद स्पेस, फिर राइट हैंड में फुल स्टॉप कोमा एम एन बी, ठीक है। फिर राइट हैंड में किसे प्रेस करते हैं, फुल स्टॉप कोमा एम एन बी वाले की को, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड में वी सी एक्स जेड स्पेस, राइट हैंड में बी एम एन कोमा फुल स्टॉप। तो हम देख रहे हैं कि इसका ये रिवर्स है, किसका, ऊपर वाले का क्या है, ये रिवर्स है। देखिए जेड एक्स सी बी को प्रेस करते हैं, उसके बाद इसका रिवर्स को प्रेस करते हैं, ठीक है, वी सी एक्स जेड, उसके बाद स्पेस, राइट हैंड में बी एम एन कोमा फुल स्टॉप, और ये इसका भी रिवर्स है, ठीक है। और इसे हम करते हैं दसवें दिन में, कब, दसवें दिन में, क्यों, क्योंकि हमने इसे पहले वाले वीडियो में नाइन्थ डे में क्या करना है वो मैंने बता दिया है। तो इसे हम करेंगे दसवें दिन में, किसे, इस वाले की को, ठीक है, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस। उसके बाद हम इसे करेंगे ग्यारहवें दिन में, इसे हम करेंगे प्रैक्टिस ग्यारहवें दिन में, ठीक है, इसे ग्यारहवें दिन में करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड प्रैक्टिस जो करेंगे तभी बताते हैं, ठीक है, वर्ड प्रैक्टिस जब करेंगे तभी बताएंगे। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड में हमें किस की को प्रेस करना है, तो जेड को, एक्स को, सी और वी, स्पेस, राइट हैंड में फुल स्टॉप कोमा एम एन बी, इसे दसवें दिन में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड में फिर क्या करना है, इसके रिवर्स को जाना है, तो वी सी एक्स जेड, फिर स्पेस, फिर उसके बाद राइट हैंड में बी एम एन कोमा फुल स्टॉप, इसे कब करना है, इलेवंथ डे में, यानी ग्यारहवें दिन में करना है, क्योंकि हमने इससे पहले नाइन डे में क्या क्या करना था वो बता दिया था, आप जाके वहां देख सकते हैं लेसन टू वाले टॉपिक पे, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग विदाउट एनी लैपटॉप एंड मॉनिटर में लेसन टू वाले टॉपिक पे, जिसमें अपर रो की के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सब वर्ड प्रैक्टिस, किस पे, वर्ड प्रैक्टिस। तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक के जितने भी अल्फाबेट लिए गए उसको पिक करके कुछ वर्ड बनाया गया है, तो इस वर्ड का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और ये प्रैक्टिस कब करेंगे, बारहवें दिन में, कब करेंगे, बारहवें दिन में। अब आप ये सोचिएगा सर ये बारहवें दिन में तो कंटिन्यू, तो आपको ओनली फोर जो है टू आवर देना है, ज्यादा नहीं देना है, कितना आवर देना है, टू आवर देना है आपको, सिर्फ टू आवर देना है, ठीक ना, पर डे टू आवर दीजिए और ये आपका 20 डे में कंप्लीट हो जाए, और 45 स्पीड के साथ, कितने स्पीड के साथ, 45 स्पीड के साथ, ठीक है। तो चलिए, तो वर्ड प्रैक्टिस में हम सब देख के क्या देख रहे हैं, वर्ड प्रैक्टिस में हमारा आता है ए डी सी डी एफ बी ओ डी एच डी ई डी के डी यू आई ई डी वी सी एच बी ओ डी W X F Z M J U K N I K B H I M N B F G H C D B F M I N D D K H I N M D E F R C F X
एस डब्ल्यू एल ओ बी डी ई सी बी के एन आई यू, ठीक है, उसके बाद क्यू पी एक्स एम, ठीक है, क्यू पी एक्स एम एन टी आर एच आर ए जी यू सॉरी जे यू जेड एक्स एम, ठीक है, इसे करना है इलेवेंथ डे में प्रैक्टिस। आई होप कि आपको कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा छोटा है तो ये ई है और ये सी है, थोड़ा क्लियर आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक ना। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से बना रहे हैं ना, इसी का ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन हालांकि मोबाइल से भी अब तो साफ साफ आता है, मैंने वैसा फीचर अपने मोबाइल में डाला हुआ है, ठीक है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, सॉरी। चलिए, जितने भी ये वर्ड है इसको वन मिनट के अंदर प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। वन मिनट तो हमने लिख दिया, ये भी ज्यादा है, ठीक है, अगर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको दिखाएंगे, ये जो है इससे भी कम समय में इसका प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, तो इसे कम से कम आप वन मिनट में ही कर लें, ठीक है ना, नया है तो वन मिनट में ही करें। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है, तो टाइप राइट्स आता है, पॉपुलर आता है, जजमेंट आता है, कॉर्पोरेशन आता है, कंबाइन आता है, एग्जामिनेशन आता है, जीरो, एक्सरे, वैकेंसी, कोड, एवरीडे, कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल, कन्वर्सेड, क्विक एक्सपोर्ट, ठीक ना, कन्वर्सेड, हाँ ठीक, कन्वर्सेड, क्विक एक्सपोर्ट, ये आपको ओनली वन मिनट में टाइप करना है, ठीक है। अगर ये आपका टाइप अच्छी तरीका से वन मिनट में हो गया तो सही में आपका स्पीड 45 जाएगा, ठीक, आगे भी जा सकता है, ठीक है। और इसे हम टाइप कब करेंगे, 13वें दिन में, ठीक है, 13वें दिन में, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसे 13वें दिन में टाइप करेंगे। अब ये जितने भी हमने वर्ड प्रैक्टिस वो ऑल वर्ड ओनली वन मिनट में जितने भी वर्ड लिखा है, इसको हम कीबोर्ड के माध्यम से प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। और आप भी अगर जहां आपके पास विदाउट एनी यानी लैपटॉप और मॉनिटर नहीं है तो कीबोर्ड मार्केट से 300 और 300 से कम में भी आता है, परचेस कर लीजिए। कम से कम घर बैठे तो इंग्लिश टाइपिंग तो सीख सकते हैं, इसके बाद तो हिंदी टाइपिंग ला ही रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है कैफे जाने का, क्या जरूरत है आपको क्या कहते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, टाइपिंग सीखने का, अक्सर तो अभी हर चीज में मांगा जा रहा है, चाहे वो एसएससी का देख लीजिए, एसएससी का वैकेंसी के लिए देख लीजिए, यानी एसएससी के जॉब के लिए देख लीजिए, रेलवे के जॉब के लिए देख लीजिए, प्राइवेट जॉब के लिए देख लीजिए, नहीं तो घर बैठे डाटा एंट्री का तो काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ, कीबोर्ड के माध्यम से हम इसे टाइप करेंगे, ठीक है, इसे लगाएंगे हम इस डाटा केबल, कहाँ लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे, टेबल पे रख के ही टाइप करेंगे, ठीक है। इसे अब इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड प्रैक्टिस करेंगे, ऑल वर्ड ली वन मिनट में लिखे जाने वाले वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो हम चलते अपने कीबोर्ड की ओर। जैसा कि हम आ गए अपने लेसन थ्री में अपने कीबोर्ड की ओर, तो लेसन थ्री में हमें क्या टाइप करना है, किस अल्फाबेट को टाइप करना है, तो डाउनलोड की के अल्फाबेट को टाइप करना है, उसमें क्या आ रहा है, जेड एक्स सी बी स्पेस फुल स्टॉप कोमा एम एन बी। अब इसके रिवर्स को भी टाइप करेंगे, इसके रिवर्स में क्या आ रहा है, तो वी सी एक्स जेड स्पेस फिर इसकी रिवर्स राइट हैंड की रिवर्स में बी एन एम कोमा फुल स्टॉप। आप यहाँ पे एम लिख लीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे मिस्टेक से एम लिखा गया, ठीक ना, आप यहाँ एन लिख लीजिएगा। तो चलिए इसे हम पहले टाइप करते हैं, तो हमारा क्या है, फिर हम इस टाइप करते हैं, तो हम होम रो पे फिंगर रखेंगे, ठीक है, इससे हम करेंगे जेड की कमांड, इससे करेंगे एक्स की कमांड, इसी से करेंगे सी की कमांड और इससे करेंगे वी की कमांड, ठीक है, और इससे करेंगे फुल स्टॉप और इससे करेंगे कोमा और इससे करेंगे एम, इससे करेंगे एन, ठीक है। तो डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और इसी से करेंगे बी की भी कमांड, तो स्टार्ट करते हैं, तो जेड एक्स सी बी स्पेस फुल स्टॉप कोमा एम एन बी, ठीक है। फिर अब इसके रिवर्स को करेंगे, इसके रिवर्स में क्या है, वी सी एक्स जेड बी एन एम कोमा फुल स्टॉप, ठीक है। एक बार फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलिए फिर से देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड में की में हमारा क्या है, जेड है, एक्स है, सी है, वी है, स्पेस राइट हैंड में फुल स्टॉप कोमा एम एन बी है, ठीक है, और इसके रिवर्स में क्या है, वी सी एक्स जेड है और राइट हैंड में बी एन एम कोमा फुल स्टॉप है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, तो इससे करेंगे जेड की को प्रेस, इससे करेंगे एक्स की को प्रेस, इससे करेंगे सी की को प्रेस, इससे करेंगे बी की को प्रेस, ठीक है। फिर से हम इससे करेंगे हम फुल स्टॉप को प्रेस, इससे करेंगे हम कोमा को प्रेस, इस फिंगर से करेंगे एम को प्रेस और इस फिंगर से एन को भी करेंगे और इसी फिंगर से बी को भी करेंगे, फिर अपने होम रो पे आ जाते हैं, ठीक है।
फिर हम अपने होम रो पे इसी से वी को भी करके होम रो पे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा जेड है एक्स सी बी स्पेस फुल स्टॉप कोमा एम एंड बी, ठीक है। अब इसके रिवर्स को, इसके रिवर्स में क्या है बी सी एक्स जेड स्पेस राइट हैंड बी एन एम कोमा फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम करेंगे वर्ड प्रैक्टिस। तो वर्ड प्रैक्टिस में हम क्या देख रहे हैं, डाउन रो की, होम रो की और अपर रो की, इस तीनों रो की के अल्फाबेट को मिला करके वर्ड प्रैक्टिस बनाया गया है और ऑल वर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो जिसने भी मेरा होम रो की का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में टाइप नाम से सेव है, वहां जाके देख ले, तभी आपका ये वर्ड प्रैक्टिस और ऑल वर्ड टाइप कर पाओगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा फर्स्ट में है वर्ड प्रैक्टिस में ए डी सी डी एफ बी ओ डी एक्स डी ई डी के डी यू आई ई डी बी सी एच ओ बी डी डब्ल्यू एक्स एस जेड एम जे यू के एन आई के बी एच आई एम एन बी एफ जी एच सी डी बी एफ एम आई एन डी डी के एच आई एन एम डी ई एफ आर सी एफ एक्स एक्स एस डब्ल्यू एल ओ बी डी ई सी बी के एन आई यू क्यू पी एक्स एम एन टी आर एच आर ए जे यू जेड एक्स एम फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम करेंगे ऑल वर्ड को प्रैक्टिस, जो कि ओनली वन मिनट में करना है और वन मिनट से अंदर में करना है। तो चलिए देखिए, तो फिर से हम होम रो पे फिंगर रखेंगे और इसमें भी मिक्सअप अल्फाबेट आया हुआ है होम रो की का अपर रो की को, क्योंकि आप होम रो की में देखें ए एच डी एफ जी एफ सेमी कोलन एल के जे एच अल्फाबेट आते हैं, अपर रो की में क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर पी ओ आई यू आई अल्फाबेट आता है, ठीक है। और डाउन रो क्यू में जेड एक्स सी भी कोमा फुल स्टॉप एम एन बी अल्फाबेट आता है, और इस तीनों चारों को मिला करके वर्ड प्रैक्टिस और ऑल वर्ड बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको होम रो का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपर रो का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको वर्ड प्रैक्टिस और ऑल वर्ड का प्रैक्टिस हो पाएगा सही तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है टाइपराइटर, टी वाई पी ई डब्ल्यू आर आई टी ई आर टाइपराइटर, पॉपुलर पी ओ पी यू एल ए आर पॉपुलर, जजमेंट जे यू डी जी ई एम ई एन टी जजमेंट, कॉरपोरेशन सी ओ आर पी ओ आर ए टी आई ओ एन कॉरपोरेशन, कम्बाइंड एम बी आई एन डी कम्बाइंड, एग्जामिनेशन एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन एग्जामिनेशन जीरो, तो जेड ई आर ओ जीरो एक्सरे, तो एक्स और डे से आर ए वाई एक्सरे, वैकेंसी वी ए सी ए एन सी वाई वैकेंसी, कोट सी ओ यू आर टी कोट, एवरीडे ई वी ई आर डी ए वाई एवरीडे, कॉन्टी कॉन्टीन्यूस ओ यू एस कॉन्टी, यूनिवर्सल यू एन आई वी ई आर एस ओ एल यूनिवर्सल, कन्वर्सेड तो सी ओ एन वी ई आर एस ई डी कन्वर्सेड, क्यू यू आई सी के क्विक ई एक्स पी ओ आर टी एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसा कि देखा हमने वन मिनट के बहुत ही अंदर में किया, तो आपका भी हो पाएगा जब आपका होम रो अपर रो और डाउन रो के अल्फाबेट का प्रैक्टिस कीबोर्ड पे सही तरीका से हो पाएगा, तब आप ऑल वर्ड को वन मिनट के अंदर में कर पाओगे, जिससे आपकी इसे 45 प्लस जा सकती है। जैसा कि आपने देखा हमने कीबोर्ड पे इसकी प्रैक्टिस करी, जितने भी वर्ड है इसका हमने प्रैक्टिस किया, तो किसका किसका, तो लेफ्ट हैंड में जो अल्फाबेट है उसका, राइट हैंड में जो अल्फाबेट है उसका, वन मिनट में जितने भी वर्ड है उसका, और वर्ड प्रैक्टिस का हमने प्रैक्टिस किया अपने कीबोर्ड। आज की क्लास से अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है तो आप हमें भी सपोर्ट करें। किस तरह से आप हमें भी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और दोस्तों के बीच में शेयर करके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तब तक के लिए जय महास्मती, चलिए हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे।